Sony Live, we live to entertain. Download the app. Latest episodes देखने के लिए Sony Live app download करें. Sony Live, we live to entertain. लक्ष्मण साहब अभी तक नहीं उठे, जाओ जाकर उठा दो. हम उठाएं मालकिन? हाँ उठाओ ना, इतना डरते क्यों हो, खा थोड़ी ना जाएंगे. अच्छा एक काम करो, पहले साहब के लिए चाय बना दो. अच्छा ठीक है मैम. क्या हो भैया जी, डर लग रहा है? कहो तो हम उठा दें. तुम उठाओगे? मालिक अगर सुन लिए ना, तुमको ना उठा देंगे. बात करते. अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है? अरे मालकिन चाय लाए थे लेकिन मालिक. केशव जाओ तुम दे दो. जी चाची जी दीजिए. चलो रसोई में चले जाओ. जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए. केशव क्या हुआ? अपने घर से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती. ऐसे में अगर किसी का अपने ही घर के अंदर अपनों के बीच खून हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं. ये केस एक साल पहले का है. इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के एक बहुत बड़े नेता रमाकांत सिंह का उनके ही घर में खून हो गया था. यह केस मई 2017 का है, जब मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी. मेरी पोस्टिंग के तुरंत बाद यह केस मुझे मिला था. कौन थे ये नेता और किसने किया था उनका ये कत्ल? माधवी तुम्हारे पापा? क्या? हाँ पीछे गाड़ी में तुम्हारे पापा है. क्या करती हो यार ये तुम? यही तो काम है हमारा, लोगों को पटाना. वैसे बड़ी सती सावित्री बनती हो तुम. बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तुम कहो तो उसको पटा के दिखाए क्या? देख ये लीजिए भैया, पोस्टर के डिजाइन बनकर आ गए. बहुत खूबसूरत बना है देखिए. ठीक है ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर छपवा के कोई मतलब नहीं है. बड़े बड़े पोस्टर से अच्छा है बड़े बड़े काम किए जाए. ए केशव. जी चाचा जी. इधर आ. जी चाचा जी. क्या दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है? जाके पढ़ाई कर, वरना तू भी नालायक हो जाएगा हमारी बेटी के जैसे. जा बेटा पढ़ाई कर. जा. आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना. हाँ. अरे हाँ भाई बैठिए बैठिए. अगली बार बड़े लेवल पे सभा करनी है. भैया जी दे दिए चेक. और आरती जी हो गया काम? जी धन्यवाद. धन्यवाद. अच्छा भैया जी हम भी चलते हैं. हाँ ठीक है. अगली बार चाय ना सबसे पहले हमको देना, फिर किसी और को. समझ गए? हाँ गीतिका. कहाँ है माधवी तू, कब आ रही है? देखना स्मृति और दीप्ति भी आ गए.
क्या यार, मुझसे नहीं झेलती तुम्हारी दोस्त, तुम ही झेलो, हम नहीं आ रहे। बाय। माधवी नहीं आ रही। हाय पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो, और कैसे हैं तुम लोग? अच्छे हैं अंकल। तुम लोग बैठ के बातें करो, मुझे कुछ काम है। जी अंकल। कितना अच्छा बंगलो है ना, चल चल फोटोज लेते ना, फोटोज लेते। लाइट भी वो। माधवी आना, फोटोज आना, फोटोज लेते, कम कम कम। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग लो हमारा। अरे आना, फोटोज नहीं, क्या हो जाएगा, चल कोई बात नहीं। गर्ल्स, क्या यार, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? अरे अभी तो आए, ये सिर्फ मुंह गीला करने के लिए। चल पी लेते। चल ठीक है, चीयर्स। ये ले पी, हमारा मूड नहीं है। अरे पी लेना, मुंह ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पीना। सब डरते थे रमाकांत जी से, उनकी बेटी का कुछ चल रहा था, और एक दिन यहाँ पर बहुत तमाशा भी हुआ था सर। अंकल मेरी बात तो सुनिए अंकल, प्लीज अंकल। अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमारी बात। दोबारा अगर इधर दिखा ना, जान से मार देंगे, समझे? चल निकलो। आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझे? सर मुझे लगता है अभी भी कुछ चल रहा है उसका। ये क्या मजाक है? बहुत घटिया काम किया है तुम दोनों ने। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, दिखाते हैं। कहती हूँ कि इन लोगों को मार के यही दफा दे। नहीं नहीं नहीं, अगर जिंदा रहेगी तो पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़ेगी। पागल हो गई हो तुम, ये दोनों बहुत गिरी हुई हैं, पर हम इनकी तरह नहीं है ना। इन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना, अब हम इन्हें परेशान करेंगे, चार दिन में नरक दिखा देंगे। रमाकांत जी के साथ उसका अफेयर था? वो झूठ बोल रही है। हाँ, हमने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डर गई थी। असल में उस दिन जब हम उनके घर गए थे तो रमाकांत जी, क्या आप बता सकती हैं कि रमाकांत जी के किसके साथ रिलेशंस थे? केशव। कौन केशव? सर केशव वही है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर वहां पे दिखता है। सर केशव के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन रमाकांत जी का मर्डर हुआ उस दिन वो डंपिंग यार्ड के एरिया के आसपास था। डंपिंग यार्ड में क्यों गया था? हो सकता है मर्डर वेपन को ठिकाने लगाने गया हो। एरिया को सर्च करो। तो अपने चाचा को तुमने मारा? चाचा जी हमें पढ़ाने लेके आए थे सर, लेकिन फिर वो हमारे साथ गलत काम करने लगे। कोई रोक टोक नहीं, देखो तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए जितना चाहिए हम देंगे, बस तुम ऐसे ही हमारा साथ देते रहो और हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। केशव। जी चाचा जी। इधर आओ। इस लड़की के साथ जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है ना, बंद कर दे।
हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था सर, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाते थे, इतने एहसान थे उनके सर। फिर हमें रश्मि पसंद आ गई और सर हमें ये सबसे निकलना था सर। लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।